अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट से आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ पर तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मताहत अदलिया के मताहत अमला जिसमें प्रोसेस सर्वर होता है, रीडर होता है और जो उनके पीएन वगैरह जो अलमद होते हैं, ये लोग अदलिया के वकार को जो है वो ज़मीन बोस किए हुए हैं और ये हर वक्त जो है हर आने वाले साइल से जो है ना वो बख्शिश लेते हैं। छोटे छोटे कामों के लिए जो है ना 200, 400, 500 लेते हैं और अफसोस का मुकाम ये है कि ये लोग जो हैं वो इजी पैसा के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए पैसे मंगवाते हैं। बात दरअसल ये है कि जजेस जो हैं वो और वकला जो हैं वो इस हवाले से जो है वो इनको नहीं रोक सकते। इसके लिए जब ये सारा ये अमल कर रहे होते हैं, अलमर, रीडर, प्रोसेस सर्वर बख्शिश ले रहे होते हैं, जैसे हकीकत में वो रिश्वत ही होती है, उससे जो है वो अदलिया का वकार को बड़ी बुरी तरह से पहुँचती है और लोगों के लिए अदलिया मजाक बनी हुई है, ख़ासतौर पर मतहत अदलिया। मेरी तमाम सूबाई चीफ जस्टिस साहबान से ये गुजारिश है कि एक इंटेलिजेंस विंग बनाया जाए जो खुफिया तरीके से निगरानी करे कि मताहत अदलिया का अमला जो है वो रिश्वत ले रहा है और उसको पकड़ा जाए। वैसे तो एंटी करप्शन वाले भी कर सकते हैं क्योंकि ये सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं जो मताहत अदलिया का अमला है, लेकिन वहाँ पर कोई भी जो है ना वो जाना पसंद नहीं करता, मुनासिब नहीं समझता। तो मैं ये कहूँगा कि मताहत अदलिया के अमले को चेक एंड बैलेंस के लिए जो है इनका जो है वो बनाया जाए, इंटेलिजेंस यूनिट होना चाहिए, खामोशी से सादा कपड़ों में लोग इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाया करें, इनका रहन सहन देखें, ये वहाँ पर नकलें बनाने के लिए, सर्टिफाइड कॉपीज़ बनाने के लिए, फाइल दिखाने के लिए जो रिश्वत तलब करते हैं, डेट देने के लिए रिटर्न करते हैं, उसका अगर कला कमा हो जाएगा तो लोगों के नज़दीक अदलिया का वकार बहुत बुलंद होगा, क्योंकि आम आदमी का वास्ता जो है इस छोटे अमले से पड़ता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।